Hi, welcome to YP Education Trick Chain. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो बेटे, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है आपका बॉटनी। बॉटनी की ये टेस्ट सीरीज चल रही है और बॉटनी में हम 220 क्वेश्चन बेटे पढ़ चुके हैं। तो बेटे, बॉटनी की हम टेस्ट सीरीज में 220 क्वेश्चन लगभग पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम 221 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बेटे, आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आप देख रहे हैं YP एजुकेशन ट्रिक चैनल। तो बेटे, 221वां क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 221 का आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। व्यापारिक दृष्टि से आर्थिक महत्व ऊतक है। व्यापारिक दृष्टि से आर्थिक महत्व ऊतक है। ए ऑप्शन है पेरेन्काइमा, बी ऑप्शन है कोलेनकाइमा, सी ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए 221 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे, इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ और बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 222 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। चालनी नलका पाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है चालनी नलका पाई जाती है। ए ऑप्शन है जाइलम में, बी ऑप्शन है फ्लोएम में, सी ऑप्शन है जाइलम व फ्लोएम में और डी ऑप्शन है कैम्बियम में। तो जल्दी से कमेंट करिए 222 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 222, तो बेटे इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्लोएम। चालनी नलका पाई जाती है किसमें? फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन न चलते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। 223 नंबर क्वेश्चन, 223 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। पार्श्व जड़े निकलती हैं। क्वेश्चन कह रहा है पार्श्व जड़े निकलती हैं। ए ऑप्शन है पेरिसाइकिल से, बी ऑप्शन है कॉर्टेक्स से, सी ऑप्शन है एपिडर्मिस से और डी ऑप्शन है पित्त से। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 223 का आपको जल्दी से कमेंट करिए। पार्श्व जड़े निकलती हैं तो किससे निकलती हैं? क्वेश्चन नंबर 223 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बेटे इसमें हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, पेरिसाइकिल से निकलती हैं। क्या हो जाएगा? पार्श्व जड़े निकलती हैं किससे? पेरिसाइकिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 224 क्या कह रहा है? अरिहे संबंध पुल, अरिहे संबंध पुल पाए जाते हैं। तो अरिहे संबंध पुल किसमें पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है एक बीज पत्री तना में, बी ऑप्शन है दो बीज पत्री तना में, सी ऑप्शन है एक बीज पत्ती में और डी ऑप्शन है एक बीज पत्ती जड़ में। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 224 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 224, तो बेटे इसमें देखिए हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही और डी ऑप्शन हमारा है एक बीज पत्री जड़ में। क्लियर? वीडियो को बेटे लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट अपने घर बैठे अच्छी से तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 225 समझिए। क्वेश्चन नंबर 225 क्या कह रहा है? 225 क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे कि जड़ तथा तने के मध्य भाग में स्थित होता है। जड़ तथा तने के मध्य भाग में स्थित होता है। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है पित्त, डी ऑप्शन है एधा। जल्दी से कमेंट करिए 225 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। जड़ तथा तने के मध्य यानी बीच में स्थित होता है। क्या होता है? पित्त होता है। बेटे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 226, तो बेटे 226 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। उभय फ्लोएमी संबंध पुल में पाया जाता है। जो उभय फ्लोएमी संबंध पुल है उसमें क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है फ्लोएम के दोनों ओर जाइलम, बी ऑप्शन है जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम, सी ऑप्शन है फ्लोएम के मध्य जाइलम और डी ऑप्शन है जाइलम के एक सिरे पर फ्लोएम। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 226 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 226 की बात करें तो बेटे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और बी ऑप्शन है जाइलम के दोनों ओर फ्लेम। तो बेटे आज हमारे जो बॉटनी के 250 क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएंगे।
ये 250 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज थी, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और कल से हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, 227 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 227 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बीजपत्री जड़ में जाइलम बंडलों की संख्या होती है। एक बीजपत्री जड़ में जाइलम बंडलों की संख्या होती है। ए ऑप्शन है 1 से 5, बी ऑप्शन है 5 से 10, सी ऑप्शन है 10 से 15 और डी ऑप्शन है 15 से 20। तो जल्दी से कमेंट करिए 227 क्वेश्चन नंबर 227 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम 227 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 से 10। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटे समझिए, 228 नंबर क्वेश्चन को समझिए। एक बीजपत्री तने में अध्यस्त त्वचा होती है, यानी हाइपोडर्मिस होती है। एक बीजपत्री तने में, ए ऑप्शन है दृढ़ोत्तकी, बी ऑप्शन है मृदुत्तकी, सी ऑप्शन है स्थूल कोण युक्तकी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए क्वेश्चन नंबर 228 का क्या होगा। इसमें हम जाएंगे बेटे ए ऑप्शन के साथ, 228 नंबर क्वेश्चन है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे दृढ़ोत्तकी। क्लियर। चाहे तो आप यूपी बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, या फिर आप यूपी कैट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो सभी के लिए है। क्लास 11 की बॉटनी है, अगर आप क्लास 12 में हो तो आपको यूपी कैडेट का एग्जाम देना है, तो ये बॉटनी यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछी जाएगी। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के हैं तो यूपी और उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229 समझिए। क्वेश्चन नंबर 229 क्या कह रहा है, द्विबीजपत्री तने में संवहन पुल होते हैं। द्विबीजपत्री तने में संवहन पुल होते हैं। ए ऑप्शन है खुले, बी ऑप्शन है संयुक्त, सी ऑप्शन है समपार्श्विक और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 229 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटे समझिए, अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, 230 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। किसी पत्ती की अनुप्रस्थ काट में एक मृत परत हो सकती है। किसी पत्ती की अनुप्रस्थ काट में एक मृत परत हो सकती है, वह है। ए ऑप्शन है खम्भ ऊतक, बी ऑप्शन है स्पंजी ऊतक, सी ऑप्शन है बाह ऊतक और सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है सॉरी क्यूटिकल। तो जल्दी से कमेंट करिए 230 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बेटे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका राइट आंसर। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन क्या है, क्यूटिकल। क्लियर। किसी पत्ती की अनुप्रस्थ काट में एक मृत परत हो सकती है, वह है क्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटे आपकी स्क्रीन पे ये लग चुका है, समझिए क्या है, 231 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृष्ठाधारी पत्ती में रंध्र होते हैं। जो पृष्ठाधारी पत्ती में रंध्र होते हैं कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है दोनों सतहों पर बराबर, बी ऑप्शन है ऊपरी सतह पर कम तथा निचली सतह पर अधिक, सी ऑप्शन है निचली सतह पर कम तथा ऊपरी सतह पर अधिक, डी ऑप्शन है दोनों सतहों पर नहीं। तो 231 नंबर का करेक्ट आंसर आपको छापना है, इसका राइट आंसर क्या है। तो बेटे इसमें हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऊपरी सतह पर कम और निचली सतह पर अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, क्वेश्चन है 232 नंबर। वृक्ष में यदि 65 वार्षिक बलय है तो उसकी उम्र होगी, देखो किसी भी प्लांट की, किसी भी पौधे की उम्र किससे ज्ञात की जाती है, उसके वार्षिक बलय से ज्ञात की जाती है। जितनी वार्षिक बलय होती है उस पेड़ की आयु उतनी ही होती है। तो 232 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 232, 65 वार्षिक बलय दिखा रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 65 वार्षिक बलय है तो उसकी उम्र होगी, ठीक है, एक साल में एक बार बनती है ना। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पौधा लगने के एक वर्ष बाद ये वार्षिक बलय बनना प्रारंभ होती है, तो ये हो जाएगा 66 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है पादपों में वृद्धि बलय निम्नलिखित की क्रिया से बनती है। जो प्लांट होते हैं उसमें वृद्धि बलय यानी ग्रोथ रिंग
निम्नलिखित की क्रिया से बनती है? ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है एधा और डी ऑप्शन है संबंध पुल। तो जल्दी से कमेंट करिए 233 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, एधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए जल्दी से, 234 नंबर क्वेश्चन। 234 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विबीजपत्री जड़ में कॉर्क एधा बनती है। जो द्विबीजपत्री जड़ है उसमें कॉर्क एधा बनती है। ए ऑप्शन है अधिचर्म से, बी ऑप्शन है बलकुट से, सी ऑप्शन है अध्यस्तुचा से और डी ऑप्शन है पेरीसाइकिल से। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 234। जल्दी से बेटे कमेंट करिए 234 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही, और डी ऑप्शन क्या है, पेरीसाइकिल यानी परिरंभ से। द्विबीजपत्री जड़ में कॉर्क एधा बनती है, कॉर्क एधा किससे बनती है, पेरीसाइकिल से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 235। क्वेश्चन नंबर 235 क्या कह रहा है, बीज पत्रों सहित प्रांकुर के भूमि से बाहर निकलने में सहायक है। बीज पत्रों सहित प्रांकुर के भूमि से बाहर निकलने में सहायक है। ए ऑप्शन है हाइपोकोटाइल, बी ऑप्शन है एपिकोटाइल, सी ऑप्शन है मूलांकुर, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 235 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से आप छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 235। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन हाइपोकोटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 236 नंबर। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण प्रायः होता है। जो आवर्तबीजी प्लांट होते हैं उनमें भ्रूण प्रायः होता है। ए ऑप्शन है द्विगुणित, बी ऑप्शन है त्रिगुणित और सी ऑप्शन है चतुर्गुणित और डी ऑप्शन है अगुणित। जल्दी से कमेंट करिए 236 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें हम जाएंगे बेटे ए ऑप्शन के साथ और ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, 237 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। तो बेटे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। 237 नंबर क्वेश्चन को समझिए, पान में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। ए ऑप्शन है संकुचनशील जड़, बी ऑप्शन है पुष्ता जड़ और सी ऑप्शन है आरोही जड़, डी ऑप्शन है स्तंभ जड़। तो जल्दी से कमेंट करिए 237 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें बेटे हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आरोही जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बता दें ये बेटे क्लास रोजाना रात 9 बजे चलती है। कितने बजे, रोजाना रात 9 बजे इसका टाइम है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, इसके बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, अन्यथा नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजेगा। 238 नंबर क्वेश्चन को समझिए, ग्रंथिल जड़ों में पाए जाते हैं। तो ग्रंथिल जड़ों में क्या पाए जाते हैं, ए ऑप्शन है फंगस, बी ऑप्शन है एल्गी, सी ऑप्शन है बैक्टीरिया और डी ऑप्शन है वायरस। तो जल्दी से कमेंट करिए 238 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ग्रंथिल जड़ों की बात कर रहा है और ग्रंथिल जड़ों में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, परजीवी मूल पाई जाती है। परजीवी मूल पाई जाती है, ए ऑप्शन है प्याज में, बी ऑप्शन है राइजोपोरा में, सी ऑप्शन है सत्यानाशी में और डी ऑप्शन है अमरबेल में। जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा, परजीवी मूल पाई जाती है। 239 का करेक्ट आंसर बताना है। परजीवी मूल का मतलब देते हैं, मूल का मतलब होता है जड़, परजीव का मतलब होता है जो दूसरे से भोजन प्राप्त करता है, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन अमरबेल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 240, निम्न में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पड़ाव स्तंभ, बी ऑप्शन है पत्र प्रकिलाएं, सी ऑप्शन है स्तंभ प्रतान एवं स्तंभ कंटक, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन इसका था पड़ाव स्तंभ, बी ऑप्शन था पत्र प्रकिलाएं। जल्दी से कमेंट करिए 240 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 241 नंबर, नागफनी व कैक्टस तने हैं। नागफनी व कैक्टस तने हैं। ए ऑप्शन है पड़लाब, बी ऑप्शन है कोड़दार, सी ऑप्शन है साकीय और डी ऑप्शन है नीलाब। तो जल्दी से कमेंट करिए 241 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही, नागफनी बाग कैक्टस हैं, क्या हैं, पड़लाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
241 हमने पढ़ लिए, ये 250 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज थी बॉटनी की। तो समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसे। क्वेश्चन कह रहा है 242 नंबर, एक बीजपत्री पौधों में उपस्थित बीजपत्र को कहते हैं, एक बीजपत्री पौधों में उपस्थित बीजपत्र को कहते हैं। ए ऑप्शन है सहपत्र, बी ऑप्शन है पड़फलक और सी ऑप्शन है बरुथिका, सी ऑप्शन डी ऑप्शन है पड़ब्रंथ। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 242 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 242 जल्दी से बेटे छापिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बरुथिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 243 क्या कह रहा है, वह पुष्करम जिसमें समृद्ध पुष्प पाए जाते हैं, वह पुष्करम जिसमें समृद्ध पुष्पक्रम पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है स्पाइक, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है स्पाइकलेट और डी ऑप्शन है कैटकिन। जल्दी से कमेंट करिए 243 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 243 जल्दी से छापिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बेटे इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए, यह भी आपकी स्क्रीन पे रहा बेटे। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 244, प्याज में पुष्करम पाया जाता है, जो प्याज है प्याज में पुष्करम पाया जाता है किस प्रकार का। ए ऑप्शन है रेशम, बी ऑप्शन है कोरेम, सी ऑप्शन है साइमोज अम्बेल और डी ऑप्शन है मुंडक। जल्दी से कमेंट करिए 244 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 244 नंबर क्वेश्चन है देखिए साइमोज अम्बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए, 245 नंबर क्वेश्चन, सब्जी के रूप में खाया जाने वाली फूलगोभी है, सब्जी के रूप में खाई जाने वाली जो फूलगोभी है तो उसमें आपको ये देखना है। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, परिपक्व पुष्प, एक मांसल पुष्प या जनन छंद पत्तियों का समूह या उपरोक्त में से कोई नहीं। सब्जी के रूप में खाए जाने वाली फूलगोभी है, तो जल्दी से कमेंट करिए 245 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 245। इसकी अगर हम बात करें तो बेटे एक मांसल पुष्करम, ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 246 और 47 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखो क्या कह रहा है 246 क्वेश्चन, बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। ए ऑप्शन है बीजांड ग्रंथ, बी ऑप्शन है बीजांड काय, सी ऑप्शन है बीजांड सन और डी ऑप्शन है बीजांड न्यास। तो जल्दी से कमेंट करिए 246 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से छापिए कमेंट बॉक्स में। तो बेटे इसका हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, और सी ऑप्शन क्या है, बीजांड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, सूर्यमुखी का पुष्प है, सूर्यमुखी का जो पुष्प है वो कैसा है। ए ऑप्शन है एपीगाइनस, बी ऑप्शन है हाइपोगाइनस, सी ऑप्शन है पेरीगाइनस, डी ऑप्शन है हर्मोफ्रोडाइट। तो जल्दी से कमेंट करिए 247 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 247। इसमें बेटे हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ और ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा एपीगाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए, देखिए 248 क्वेश्चन जो था वो मिस हो गया, तो कोई बात नहीं 249वां समझ लीजिए। कह रहा है जब एक पुष्प के परागण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या कहलाता है। ये डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन को 100% आप याद करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब एक पुष्प के परागण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 249। तो बेटे वह क्या कहलाएगा, पर परागण, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कमल का वनस्पति नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन है नीलम्बो न्यूसीफेरा, बी ऑप्शन है विक्टोरिया रिजिया, सी ऑप्शन है जैमिया पिग्मिया और डी ऑप्शन है जिंगो बाइलोबा। तो जल्दी से कमेंट करिए 250 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये तो बेटे सबको पता होगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलम्बो न्यूसीफेरा। क्वेश्चन नंबर 251, चलिए आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, पर्ण स्तंभ पाए जाते हैं, लेकिन वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, दो तीन बातें मैं महत्वपूर्ण आपको बताऊंगा। पर्ण स्तंभ पाए जाते हैं, ए ऑप्शन है इलियम में, बी ऑप्शन है रसकस में, सी ऑप्शन है नागफनी में, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
पर्ण स्तंभ पाए जाते हैं, इसमें हो जाएगा बेटे सी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा नागफनी। अब समझिए मेरी बात, देखिए ये यूपी कैडेट का है, अगर आपको आल सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में यूपी कैडेट करके एक प्लेलिस्ट होगी, इस प्लेलिस्ट में आप सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आपकी पढ़ सकते हो, हर सब्जेक्ट के 250 से 300 ऑब्जेक्ट मैंने टेस्ट सीरीज करा रखी है, और जिन सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज अभी नहीं कराई है वो मैं आपकी करवा दूंगा। तो जो कल जो हम स्टार्ट करेंगे तो कल बेटे न्यू सब्जेक्ट हम लेके आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।